तो क्या कहेंगे सर पीडीएम के हवाले से, आजकल पीडीएम कहाँ पहुंची हुई है, मुल्क की सियासत जो है वो कहाँ है, आप अपनी निगाह से क्या देखते हैं, क्या कहते हैं? इमरान खान को तो यही आसरा था ना कि खलाई मखलूक उनके साथ तो आज देख रहे हैं अशरा हफ्ते से कि डीजी आईएसआई पर क्या खिंचतानी हो रही है। मेरी दानिश के मुताबिक पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इदारों की इतनी तोहीन नहीं हुई होगी जो आज हो रही है और दानिशा तौर पर हो रही है। वो आदमी जो फौजियों के रास्ते से आया था, अब वो अपने आप को हीरो बना रहा है कि मैं डीजी आईएसआई पर स्टैंड लेकर अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के अपोजिट और मुखालिफ उन हलकों की वो हमदर्दी लेना चाहता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो इसमें कामयाब इसलिए नहीं होंगे कि जो लोग उनको लाए हैं अगर उनको नाराज़ करेंगे तो फिर उनके लिए रहने की गुंजाइश नहीं होगी। आवाम तो उन्हें लाए नहीं और आवाम बहुत सख्त तंग हैं, खासकर महंगाई से। अगर हम और कोई बात करते हैं वो उनको समझ में आया ना आए, महंगाई की बात समझ में आती है। हर गरीब आदमी का दुकान से ताल्लुक़ होता है और सब्ज़ी से और खाने पीने की चीज़ों से, तो लोग तो तंग हैं। वो जो लोग लाए थे लोग हयान उनका ख्याल करते थे, अब वो भी उन्होंने नाराज़ कर दिए। तो मुझे ख्याल है कि पीडीएम की तहरीक बड़ी कामयाब और मुबारक है और हुकूमत उनकी झोली में ख़ुद ब खुद गिर जाएगी इनकी नालायकियों की वजह से।